हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हम भी ठीक ही हैं। जाड्डा लग रहा है, ठीक ठाक तो बिल्कुल ठीक नहीं होते, पर जाड्डा लग रहा है भाई। मैं सर्दी ने भी हद कर रखी है क्या? सर्दी लग रही बहुत ज़्यादा। एक बात देखी, मैंने नहा के और कपड़े धो के सबसे ज़्यादा ठंड लगा है, और मेरे तो आह चाल निकली जा रही, जाड निकली जा रही। ये तो सबसे ज़्यादा लग रहा मौसम, बस रोज ही ऐसा बन रहा। और वो कहते हैं कि जब बसंत वो हो जावे, फिर सर्दी कम होती चली जावे, बसंत धरा जावे। तो एक सूत बोलते हैं, सूत शायद कुछ ऐसा ही बोलते हैं कि सूत डूब रहा है, सूप डूब रहा है, कुछ ऐसा चाची जी बता रही थी। कुछ ऐसा होता है, उसका पता नहीं कब उठेगा, न को जब वो डूबा रहा है, शादी ब्याह नहीं होते, ऐसा बताते हैं। मैं बताऊँगी पूछ कर कैसे क्या होता है। जब चाची जी आएंगे, उनसे ही बात करके आप लोगों को बताऊँगी। सूप डूब रहा है बोलता है कुछ ऐसा ही, कि जब तक वो डूबा रहेगा तब तक शादी ब्याह नहीं होते बिल्कुल भी। जब वो मतलब उगता है तब होते हैं, और बसंत धरा जाता है, सर्दी कम होनी शुरू हो जाती है। सर्दी तो कम क्या, बढ़ रही है, और इतनी ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा। 4 दिन का चिल्ला चल ही रहा है। अब थोड़ा सा खेल रहा है, रो रहा था आज मेरा बेटा। मम्मी खोलो, मम्मी खोलो, मम्मी खोलो, मम्मी जी गिट्टी से खेलेंगे, खोलो ये गिट्टी काट ले। चलो थोड़े दिन में मिलते हैं। कारू कारू मंदारी आए दप्पा। मार फोन ना मैं। हाजी हाँ, यहाँ पे अभी मैं ना फिलहाल तो वैसे ही कैमरे से वीडियो बना रही थी, और अभी यहाँ मैं लेना आई हूँ ट्राईपोड। ट्राईपोड लेके चलते हैं और वीडियो बनानी स्टार्ट करते हैं। मैं आ गई हूँ अपने छोटे से किचन में, और मेरे को छोंकना है साग। तो सबसे पहले हमें ना साग देख लेते हैं, उबल चुका है हमारा, इसको भगोने में निकाल लेते हैं। और कायरव बाबू बैठे हुए खा रहे थे शक्कर, और ये अवनी की दवाई मंगाई है। अवनी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कायरव को भी हल्का सा जुकाम लग रहा है मेरे को। और अभी यहाँ पर हम लोग बस, मैं अपने काम में लगी हुई थी, और आज ही थोड़ा सा किलस रहा है। बार बार जुराब गिल्ली कर ले, कभी पानी में मंड जा, कभी कहीं भग जा, मिट्टी वगैरह में सारी जुराबें ख़राब कर ली बार बार। ऐसे कितनी जोड़ी मैंने इसकी ला रखी इसी वजह से, कि क्योंकि जुराब ज़्यादा गंदी करता है। और यहाँ पर ये ना और यहाँ पर मैं छोंक रही थी साग, तो कायरव की ताई जी खड़ी थी, वे बोल रही थी, तो कायरव उनसे बात कर रहा था। मैंने साग छोंक दिया, फिर यहाँ ये मैं मिक्सी रख रही हूँ वापस डब्बे में। पहले मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि साग है ना मिक्सी में तब पीसा करो दीदी जब ठंडा हो जाए, तो बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही मैंने आज मिक्सी में साग पीसा है। कायरव मिक्सी के मारे रो रहा था, पर मैंने ये फिर भी उठा के रख दी कि भैया कोई खेलने का सामान नहीं है, कहीं टूट गया तो बहुत महंगी आती हैं चीज़ें। और कभी कभी यूज करती हूँ मैं मिक्सी का, साग पीस लिया वापस डब्बे वगैरह साफ करके इसके खाने, मैंने इसको रख दिया ढककर, सेब के ऊपर रख दूंगी। यहाँ मेरा साग बनकर तैयार हो गया है, आप लोग भी आ जाइए। साग बनाया है और रोटी बनाएंगे। तो आज रोटी मैं सोच रही थी किसी और चीज़ की बनाने की, पर फिर मतलब मेरे दिमाग से बात ही निकल गई, मैंने नॉर्मल रोटी बना ली आटे की। पर मैं रोटी किसी और चीज़ की सोच रही थी आज। वह जब दिमाग से कोई बात निकल जाए तो फिर वही अपना जल्दी में। एक सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है, धूप तो 2-3 दिन से बिल्कुल भी नहीं निकल रही, सर्दी ने हद कर रखे, सूखा पाला पड़ रहा। टाइम से ही खाना बना के हम लोग बिस्तरे में बैठ जाएं, फिर हम रात को है ना एक दो बार भाई चाय पीते हैं और अपना दूध पी लेते हैं शाम के टाइम में, बस यही है। थोड़ा सा अभी काम निपटा के अपने बिस्तर वगैरह में बैठ जाएंगे, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही। ये वाली खिड़की खोली थी मैंने, कायरव सो गया था, इसको खोल के यहीं से अवनी को और अवनी के मामा को खाना पकड़ाती रही मैं, रोटी बना बना के सेक सेक के देती रही। बस अभी दूध रखना है पकने के लिए, बाकी सारा काम हो गया। ये लोग डेयरी से जाके दूध लाए, आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि अपने भाई से मंगा लिया करो दूध। अवनी और अवनी के मामा लाते हैं आजकल दूध। ये देखो हमारे बर्तन इकट्ठे हुए धरे हैं जो हमें साफ़ करने हैं। तो पहले मैं ना दूध छान लेती हूँ,
पता नहीं, मैं 2-3 दिन से बराबर ये चीज़ नोट कर रही हूँ कि दूध में से मुझे महक आती है, जैसे सूखे दूध में से आती है। तो आज मैंने जैसे दूध छाना ना, बहुत ध्यान से छाना, तो मैंने देखा इसमें ना सूखे दूध के जो बारीक बारीक कण हैं वो दिखाई दे रहे थे। और मुझे मुझे है ना, रात के धरे हुए दूध में या बासी रोटी हुई या रात भर का दूध हुआ, मतलब रात भर की कोई भी चीज़ धरी हुई हो ना, सब्जी भी हो, तो मुझे महक आती है, पता नहीं क्यों। मैं एकदम सूंघ के बता देती हूँ कि ये चीज़ ख़राब हो रही है या हो रही है। आप देखो दूध के डब्बे में भी इस तरह के कण से पाए, सूखे दूध के ये रे। अब बताओ क्या करा जाए। छन्नी में भी आप लोगों को दिखाई मैंने, और यहाँ ये देखो बच्चे, दोनों बच्चे बैठे हैं ट्रैक्टर पे, इनके पापा जोड़ रहे हैं ट्रैक्टर में ये बुग्गी, ये जो कूड़े की बुग्गी है ना भर के खड़ी हुई थी। 2-3 दिन से आप लोगों से मैं बताई रही थी कि जाएंगे इसे तारने के लिए, अब जा रहे थे तारने के लिए, और दोनों बच्चे बैठे थे ट्रैक्टर पे, हम मुझे बाय कर रहे हैं, आराम से बैठे मस्ती से ट्रैक्टर पे बैठे थे। और एक कमेंट मुझे ये भी आ रहा था कि तुम झूठ बोलती हो राठी जी, तुम्हारी मदद नहीं करते, करते हैं वो तुम्हारी मदद। भाई इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है, अगर कोई मदद करेगा तो यही बोलेंगे हाँ मदद करी, नहीं करता तो सीधा यही बोल लूँगी ना मैं, नहीं करते। मुझे भी क्या मतलब, कुछ मिल रहा है क्या भाई झूठ बोल कर, मुझे कुछ हासिल थोड़ी ना होगा, अपने रिश्ते ही ख़राब होंगे। पर ऐसा नहीं है, अगर वो मेरी मदद करते तो मैं आप लोगों के सामने हर चीज़ दिखाया करती वीडियो में, उनके साथ भी दिखाया करती, क्यों नहीं दिखती, करते ही नहीं वो मदद। छोटे मोटे काम जो है ये उनके ही हैं, अगर वो बुग्गी में कूड़ा भर दिया था हमने उतार दिया है, तो ये जिम्मेदारी उनकी है ना कि मेरी है। भाई मैंने कर दिया इतना, यही काफ़ी है। वैसे भी एक कमेंट आया था मुझे, मैंने उनका कमेंट भी पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। जिस पर जिसके साथ में होती है वो इस चीज़ों को समझता है, और इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। यहाँ उन्हीं को दे देते हैं दवाई, तो कायरव कह रहा था अन्नी को ले ले, दाई ले ले, दाई मैं कायरव को बोल रही थी कि तू भी ले ले, नहीं मैं नहीं लूँगा, अन्नी को दे दो, अन्नी को। अब अन्नी को जुकाम खांसी से हो रहे बहुत, मैंने इसे हल्दी वगैरह भी दी थी थोड़ी सी दूध से, अजवाइन का दूध वगैरह, पर इसके जुकाम खांसी में आराम से ही नहीं लगा, फिर डॉक्टर से दवाई दिवानी पड़ी आज। और यहाँ मैं कह रही कायरव सिर पर हाथ फेर दे अन्नी के, अन्नी को देख दे कितना खुश हो रहा, बहुत बहुत लाड़ करता है अपनी बहन के, बहुत प्यार है दोनों बहन भाई में। और अपनी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, खांसी जुकाम सा हो रहा, मैं पहले ही बता रही थी, ये दो दवाई मंगाई है डॉक्टर के यहाँ से, और बिल्कुल अभी अभी से एक दवाई दी है, एक दवाई और देनी है, ये वाली देनी, ये वाली दे दी। देखो से खांसी जुकाम सा हो रहा, मेरा बच्चा लो रहा, मेरे तो आज किलची किलची कर ली, छमान देखेगी, छमान छमान देखा। यहाँ पर मैंने आवाज़ म्यूट की है क्योंकि मुझे पता है टीवी चल रहा है पीछे से, आप लोगों को शोर ही आएगा। ये दो बिंदी के पत्ते लाई हूँ मैं पार्लर में से, जो मतलब अपने लिए सामान लाई हूँ वो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। मेरे पास मैं ना बहुत दिनों से कानों में पहनने के लिए इयरिंग्स भी नहीं थे, जो मेरी जितनी भी झुमकी थी, किसी की डांडी टूट गई, किसी का लोक खो गया, मतलब मेरे कान नंगे कान होते कम से कम 10-15 दिन से। एक हमारे गोपाल जी की बाँसुरी टूट गई थी, वो हम बाँसुरी लाए हैं, और ये अपने कान में पहनने के लिए लाई थी 2-3 जोड़ी, और एक जोड़ी भाई मैं गोपाल जी के लाई थी, क्योंकि मेरे गोपाल जी के भी है ना लोक ख़राब हो रहा है, एक का एक जोड़ी मेरे के गोपाल जी के टूट गए। शैतानियाँ ज़्यादा करता है मेरा लड्डू गोपाल। एक कमेंट ही आ रहा था मुझे कि आप सर्दी में गोपाल जी को नुहाते हो या नहीं, नुहाते हैं, बिल्कुल नुहाते हैं, रोज़ नुहलाते हैं। और भाई अगर हम नहीं हैं तो वो एक अलग बात है, वरना हम गोपाल जी को नहलाते हैं। और ये गोपाल जी की माला दिखाई मैंने आप लोगों की, लाई थी एक, मैं लाई थी ब्लीच ये भी दिखाई मैंने, और एक लाए थे हम तेल की शीशी, हमारे तेल की शीशी ख़त्म हो गई थी वो भी लाए हैं हम, और एक गोपाल जी की माला और भी लाए, वो भी दिखाऊंगे कि इयर रिंग्स ये वाले थे, एक जोड़ी आप लोगों को अभी दिखाई मैंने, और जो छोटे छोटे से थे वे गोपाल जी के थे। और भाई सर में डालने के लाए हैं रबड़, क्योंकि अब उनके बाल भी बढ़ने लगे हैं, उसके सर में भी डालने के लिए और अपने डालने के लिए टिश्यू पेपर, नाखून पॉलिश छुटाने वाले ये जो भी इनको बोलते होंगे, भाई मेरे को ज़्यादा नहीं पता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोलते हैं। एक एरी गोपाल जी की माला, मैंने दो गोपाल जी की माला बांसुरी ये लाई हूँ, नहीं थी उनके पास में, और एक बांसुरी टूट गई थी ना उस वजह से दिक्कत होती है, अपनी लाई हूँ मैं, नेल पेंट थी मेरे, काफ़ी टाइम से नेल पेंट भी नहीं थी, बस एक रेड ही थी और लगाने को मन कर रहा था मेरा। मतलब कभी कभी मैं ये चीज़ें खरीदती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं खरीदती, क्योंकि भाई जो मेरे पास में लिपस्टिक है मांग भरने की है, जो चीज़ें मेरे पे हैं वो मैं नहीं खरीदती फिजूल की, जो नहीं थी वो मैंने खरीद ली। मेरे पास में ना बिंदी नहीं थी बहुत दिनों से, मैं संदूर की बिंदी लगा रही थी, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो मैंने सोचा कि चलो आज ले लेते हैं दो बिंदी के पत्ते। चूड़ी भी देखो अभी आप, सर्दी हो रही है, एक एक दो दो पड़ी है हाथ में, बदलने को मन ही नहीं कर रहा, सर्दी लग रही बहुत ज़्यादा। और मैं अभी अपने फेस पे कर लूँगी थोड़ी सी, मैंने आज थ्रेडिंग करवाई बहुत दिनों के बाद, बड़ी 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 हो रही थी, बहुत बहुत अजीब लग रही थी। अभी मैं अपने फेस पे करूँगी ब्लीच, मैं ब्लीच खुद से ही कर लूँगी, वैसे तो मैं पार्लर में करवा सकती थी, पर मैंने सोचा कि इतना मैं पार्लर में कराऊँगी, खुद से कर लूँगी, जब हमें आता है ये काम करना,
ब्लीच में वैसे कोई भेद वाली बात नहीं है, 15-20 मिनट के लिए चेहरे पर रखना है, पर जो इसका जो पाउडर होता है ना, जैसे हमारे मुंह पे पिंपल्स है, तो उसका ज़्यादा यूज नहीं करा मैंने, हल्का सा ही यूज किया पिंपल्स की वजह से, वरना मुंह पे जलन कर देगा, दिक्कत कर देगा बहुत। आँखों से बचा के बहुत सेफली मैंने इसको फेस पर लगाया और 15 से 20 मिनट हो चुकी थी, मैं इसको अपने फेस को साफ कर रही हूँ, थोड़ा सा ठीक सा हो जाएगा। बहुत धूल मिट्टी, मतलब धूल मिट्टी का काम ज़्यादा नहीं, गर्दा उर्दा भर जाता है फेस पर, बुरा हाल हो जाता है। तो फेस साफ कर लिया भाई अपना, ब्लीच कर ली मतलब, और मुझे लगानी अभी नेल पेंट। तो उससे पहले मैं यहाँ ना बैठ के खाना जो है इधर वाला वो टूट गया, उसका वो निकाल के इधर उधर बच्चों ने सारा इधर खाने का अंदर का जो था ना वो टूट गया, वो निकाला, फिर मैं हाथ में लगवा लेंगे। और यहाँ मेरी जो रेड कलर की नेल पेंट लग गई थी थोड़ी थोड़ी, वो साफ करी मैंने, और मैंने लगाई ग्रीन कलर वाली नेल पेंट, मेरा मन कर रहा था आज ग्रीन कलर की लगाने का। बच्चे खेल रहे थे टैडी से भाई, इसको बुखार हो गया, इसको जुकाम हो गया, इसको पट्टी बंधा, तो दोनों की मस्ती चल रही थी। कायरव का बिल्कुल भी अवनी के बिना जी नहीं लगता, जब भी खेलता है अवनी के साथ ही खेलता है, बस सारे दिन मेरी अन्नी रहती है इसकी, कभी कभी जी जी भी बोल देता है, पर अगर ना दिखाई दे ना तो 1 मिनट भी मतलब इसके बिना नहीं खेलता ना रहता, बहुत प्यार है बहन भाई में। एक कमेंट मुझे बहुत अजीब लगा कि तेरी शक्ल और तेरे लड़के की शक्ल दोनों की बहुत बद्दी है। अरे भाई सूरत तो भगवान बनाता है, कोई बात नहीं, गुण होने चाहिए आदमी में, सूरत का क्या करना है, सीरत अच्छी होनी चाहिए, कोई बात नहीं, हम गंदी सीकल गई सही, आप अच्छी सीकल गए जिसने कमेंट किया ये, तो आप है ना उनसे पूछो, आप सब अपने अंदर में झांक के देखो, उनसे पूछो जो मुझे देखते हैं, क्या मेरी सीकल इतनी बुरी है, क्या इतना बुरा मेरा बच्चा है। और रंग रूप सब भगवान देता है, अपने हाथ की चीज़ नहीं है ये, जैसा मन करा ऐसा रंग बना लिया, जैसा मन करा ऐसा रूप बना लिया। मैं थोड़ी सी कमज़ोर हो रही हूँ, मेरे पे काम का प्रेशर ज़्यादा है, अगर मैं मोटी हो जाऊँ तो आपकी पहचान में नहीं आने की मैं बिल्कुल भी, ठीक है ना, मैं पर अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाती, मुझे अपने से ज़्यादा बच्चों की टेंशन है, ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी बोली है। भाई अपना बिस्तर लगा रहा है, हम लोगों ने अपना लगा लिया, इतना ज़्यादा पाला पड़ रहा है, कपड़े ऐसे लगते हैं जैसे बर्फ़ में डबो के ओढ़ लिए हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। बस भाई ने लगा लिया अपना बिस्तर, वो चारपाई पर लेटता है, हम लोग बेड पर लेटते हैं, और बस हम लोगों का खाना पीना सब हो गया था। मैं नेल पेंट सुखा रही थी थोड़ी सी अपनी, तो मैं ना चीज़ें छेड़ तो नहीं रही थी। और यहाँ मेरी जो है ना बुआ जी जो है उनका पोते का फ़ोन आ रहा था, मैं उससे बात कर रही थी भाई से, तो पूछ रहा था आप कैसे हो, अगर मैं सब कैसे हो, अच्छा अच्छे हैं बेटे सब बढ़िया हैं, मैं उससे ही बात कर रही थी। मैंने यहाँ पे हर जगह आवाज़ म्यूट करने का कारण यही है, टीवी भी चल रहा था तो आवाज़ नहीं आ पाएगी इतने अच्छे से आप लोगों को, तो थोड़ा सा बता ही देते हैं, फ़ोन चल रहा था, मैं बात कर रही थी, भाई अपना बिस्तर लगा रहा था। बस हम लोगों का है ना दूध दूध पीना रह गया, दूध पियेंगे पर उससे पहले एक कप चाय पी लेंगे अदरक की। तो चलिए बस ये देखो हमारी चादर बिछ चुकी है, कुछ अवनी ने बिछाई कुछ मैंने लिया आप डाल लिया है, और यहाँ हम कर रहे हैं थोड़ी सी कपड़ों की तय, थोड़ी सी कर रहे हैं पैकिंग, कहीं जाने के लिए सोच रहे हैं, बाकी आगे पता चलेगा अगली वीडियो में, जाएंगे तो ठीक नहीं जाएंगे तो ठीक। अभी दो दो मन हो रहे हैं, एक मन हो रहा है चले जाएँ, एक मन हो रहा है सर्दी ज़्यादा हो रही है ना जाएँ, तो अभी कुछ रास्ता नहीं है, कुछ नहीं पता माइंड कहाँ जा रहा है क्या नहीं, कुछ काम नहीं कर रहा माइंड, जो भी होगा आगे आने वाले व्लॉग में पता चलेगा। कहीं जाएंगे तो जहाँ जाएंगे बहुत स्पेशल जगह होगी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, नहीं जाएंगे तो वापस अपने घर। अब लोग बोलेंगे सस्पेंस बनाती है दीदी, सस्पेंस बनाना पड़ता है क्योंकि मूड का ही नहीं पता भाई जाएंगे या नहीं जाएंगे, दोनों ही चीज़ें हो रही है। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, हम थोड़ी सी अपनी पैकिंग कर लें, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, सर्दी बहुत हो रही है, बच्चों का अपना विशेषकर ध्यान रखें।